आपने कहा कि आप मिस्टर वर्ल्ड के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड के लिए बहुत सारी जो ना चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह आपने 2010 का बताया कि किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है कि 2011 और 2012 के दरमियान में जो मिस्टर वर्ल्ड हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको किस हद तक जो ना सपोर्ट करेगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, ना उसके एसोसिएशन है वो सपोर्ट करेंगे। बस क्या करें, आप मजबूरी हैं कहीं ना कहीं से करके ना ये तो करना है, बाहर निकलना है। इतने अच्छे पीक पे आए हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ नहीं सकते। अगर हमने नेशनल जीते, मुकाबले भी जीते हैं ना, तो इंटरनेशनल में कुछ ना कुछ करना है। तो उसके लिए बस यही है कि यारों दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से तो हम लोग बिल्कुल नाउमीद हैं, वो खुद को ऐसे हुए में तो हमारी क्या मदद करेंगे। जिसके पास भी जाते हैं वो कह रहे हैं हमारे पास ना कोटा है, जो भी कोटा आता है क्रिकेट लेकर चला जाता है, क्रिकेट के बाद हॉकी या स्क्वाश वगैरह पे चले जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग की गवर्नमेंट में कोई इमेज नहीं है, ना कोई इतना लिफ्ट कराती है। तो आपके पास जो तैयारी के लिए आ रहे हैं लोग, जितने भी नए जनरेशन है, किस हद तक जो ना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके पास आके और बॉडी बिल्डिंग के हवाले से? आजकल जितने नए जनरेशन है उनको तो इतना इंटरेस्ट हो गया बॉडी बिल्डिंग में, वो इतना ना पढ़ते हैं ना काम करते हैं जितने बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। जैसे बस जवान हो जाए, बस जैसे उसमें पावर शावर आ जाए ना, तो बस फौरन भाई डाइट स्टार्ट कर दी, बॉडी बनानी है। तो आजकल अच्छा फिगर बनाने का शौक, तो सिर्फ फिगर बनाने के शौक में या कि प्रोफेशनल भी कोई बनना चाह रहे हैं? प्रोफेशनल सबको पता है, अगर हम प्रोफेशनल करेंगे ना, उसके सामने सबसे बड़ी जिंदा मिसाल हमें क्या आगे मिल के हमें ना कोई मुस्तकबिल में इसका ना गवर्नमेंट हमें कुछ देती है, और फिर हमारे पास आती है तो हमें उसे भी समझा जाते हैं कि भाई बस अपनी बॉडी बिल्डिंग करो, अपनी फिटनेस अच्छी रखो, एक अच्छा फिगर बनाओ, वरना आगे जाके बस हमारी तरह रोएंगे या एसोसिएशन के सामने या गवर्नमेंट के आगे। तो फजल भाई, कंपटीशन के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि दवाइयां लेना या कि कोई मेडिसिन वगैरह इससे नुकसान पहुँचता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जो मेडिसिन वगैरह है, डाइट वगैरह है, इसके बारे में? बॉडी बिल्डिंग की जो डाइट है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, यहाँ बड़ी मुश्किल से अफोर्ड होती है। उसके बाद जो उसके फूड सप्लीमेंट आते हैं, और इंटरनेशनल तैयारी के लिए फिर आपको पता है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी भी डॉलरों के हिसाब से है, तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं से बस अल्लाह पूरा ही करके हम तैयारी कर ही लेते हैं। ख़ास तौर पर जो यहाँ फूड सप्लीमेंट है वो तो तमाम स्पोर्ट्स में अलावे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर में या एक मसल में जान नहीं होगी तो उसको हम प्रोटीन आयरन वगैरह कहाँ से देंगे, तो उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हेल्थ कमीशन के हिसाब से बिल्कुल लीगल है कि आप मेडिसिन यूज़ करते हैं? मेडिसिन नहीं होता, दरअसल फूड सप्लीमेंट होता है, वो फल फ्रूट से निकली हुई खुराक होती है, वो हमारी जो हेल्थ सेंटर है, जो हमारे बाकी सेहत के डिपार्टमेंट जो सबसे अप्रूवल होती है, वो लीगल तौर पर मिलती है और यूज़ कराई जाती है। तो कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं या कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मेडिसिन यूज़ करने से जो है ना आप फिर बीमारियां फैल जाती हैं या कि उनमें कुछ बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करने का तो साइड इफेक्ट है, मगर जो हर चीज़ होती है उसकी एक लिमिट होती है। एक चीज़ को आप लिमिट में यूज़ करो, जो उसकी थ्योरी है, जो उसका तरीका है इस्तेमाल का, उसी में यूज़ करो तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर अनलिमिट यूज़ करो, बगैर तरीके से यूज़ करो, या आप जो है ना किसी ऐसे ट्रेनर से यूज़ करो, वो तो फिर नुकसान ही दे। कराची में 3-4 अच्छे ट्रेनर है, उसके बाद जितने भी क्लबों में बैठे हुए हैं बॉडी बिल्डर बनने से पहले सारे उस्ताद बने हुए, तो लोगों को गलत चीज़ें यूज़ कराते हैं, गलत सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके चक्कर में सारे बॉडी बिल्डर बदनाम है और फूड सप्लीमेंट भी बदनाम है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, दुबई में जाओ या आप किसी भी बाहर कंट्री में जाओ, जैसे आप एडमिशन लोगे उसके साथ आपको फूड सप्लीमेंट का डब्बा देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान पता है आपका बीपी लो हो सकता है, आप कमज़ोरी से आपको वीकनेस हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है, तो वो ये कमी सारी एक डब्बा पूरा करती है, जो एनर्जी होती है उसमें प्रोटीन वगैरह होता है ये वो हल करेगी। यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट बोर्ड चेंज है, यहाँ बच्चे पान गुटखा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और जब आके ट्रेनिंग करते हैं हम उसे एक अच्छा सा डब्बा फूड सप्लीमेंट का डब्बा आगे रख देते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि इनको गलत यूज़ करने का एक ऐसा अफवाह फैलाया गया है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत यूज़ कराने के लिए दे देते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि जिनको पता नहीं होता बॉडी बिल्डिंग के हवाले से या कि मेडिसिन के हवाले से, वो दे देते हैं।
लोकल जिम कराची में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, गवर्नमेंट को चाहे एक टीम इनके खिलाफ ही बनाए, जितने भी लोकल जिमों में उनमें छापे वगैरह लगवाए हैं, बहुत उल्टी सीधी गलत चीज़ें लोगों को यूज़ कराई जा रही है, जो उनके ट्रेनर वगैरह बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, ना उनको पता है, जो आया बच्चे को दे दिया, जो खाने को मिले बच्चे को दे दिया, उसमें ज़्यादातर 80 से जो है ना 70% नहीं बनते हैं, सारे लड़के बनने के बजाय ख़राब हुए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि यहाँ क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं है। तो फजल भाई, आप कह रहे थे कि आपकी नज़रें जो ना मिस्टर वर्ल्ड पे टिकी हुई हैं, तो आप किस ट्रेनर के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस क्लब में ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? मेरा जो उस्ताद है वो आमिर खान है, और उसके बाद आतिफ भाई है, उनकी गाइडनेस है, और शोएब जोर है लाहौर में, वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं, वो मुझे मशवरे वगैरह देते हैं, बाकी ट्रेनिंग वगैरह मैं सब अपनी जिम में करता हूँ, खुद करता हूँ। तो आपने अपनी जिम खुद बनाई है किसी के सपोर्ट से कि अपने बस बलबूते पे किया? बस ये जो अभी तो यहाँ तक जो पहुँचे हुए ये जो जिम है सारे अपने मदद के तहत की है, इसमें ना किसी दोस्त ने ना इसने उसने, सुबह शाम मेहनत वगैरह करके कोचिंगे करा के यहाँ तक पहुँचे। तो फजल भाई, हम आपके क्लब की भी लोगों को बता देंगे कि किस किस्म का क्लब बनाया हुआ है फजल भाई ने, और एक दौरा करते हैं आपके क्लब का भी और आपकी ट्रेनिंग का भी, जिस तरह आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ चारों का पहला मार रहे हैं क्लब दौरा करने के चिक्का शर क्लब बोलें थे कि पाकिस्तान तुका बल्कि कायदाबाद तुका एक बेहतरीन क्लब है। इन्वायरमेंट में बात गिनने के था कि तुशी क्लब अगर हर जगह भी तो मानी ख्याल कि बिल्डरानी कमी तो नॉर्मली नहीं इसते बोले गवर्नमेंट नेमगा चे सपोर्ट न मिले कसिया इक्का शहर कलबे बह के बावजूद भी इसते गवर्नमेंट इस सपोर्ट न करेंगे बताई से रंद मारे फजल कई सैयद फजल आई इसते चिया चाह रहे ट्रेनिंग चाह रहे क्या चिक्का ट्रेनिंग करते हैं गर्मा मौसम भी गर्मे बोले गवर्नमेंट ने मुझे अंगा बीच न मिलेंगे बोले आइए हस्ते हौसला बाज बुलंद ना वह चाह रहे हैं देमतरा कलबा पता रहे ट्रेनिंग का। शुमा कलबे विजिट भी को चिका शुवाला कलबे और शुमा अस्ते मिस्टर पाकिस्तान 2010 फजल इलाही अस्ते शुमा फिटनेस भी चार चिका मेहनत करेंगे मिस्टर वर्ल्ड वास्ता बल अफसोस है बारिश है कि गवर्नमेंट ने मुगा चेच चमशां की नेसी ने मुगा या के देखे बिल्डर भी बिया आया ने मा एच चमशां की नेसी ना मा फजल इलाही जिसके ने कि आयो के जनरेशन या के आयो के टेम वास्ता चेची फजल भाई आने वाले जनरेशन है और अपने जो न्यू जनरेशन है उसके बारे में क्या कहोगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से? न्यू जनरेशन के लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि वो अपनी अच्छी तालीम लें और माँ बाप की फरमानी करें, ख़ास तौर पे माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करें और बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करें। उसके बाद जो है ना जो सबसे बड़े तवज्जो और जहन हो पढ़ाई के बाद, और पढ़ाई के बाद जो है ना जो टाइम मिलेगा उनको फिटनेस के लिए। तो अपने फैंस को क्या बोलेंगे आप मिस्टर वर्ल्ड के लिए जो अभी नए कंपटीशन आ रहे हैं उनके बारे में किस हद तक सपोर्ट की ज़रूरत है आपको? मेरे तमाम फैंस की और मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि वो इंशाल्लाह मैं इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी करूं और वो मेरे लिए दुआ करें। गुल चारों का माशमार देव भी पूछा कि चुक में कर रिश्ता ऐसते फजल लाई चुक्के होती तो शीमा भी लाते सवाल जवाब करें कि ऐसते मजन भी चीफ बनी ना सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाद। अच्छा फाद, क्या कर रहे हो अभी? मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में? नाइन्थ। नाइन्थ में पढ़ रहे हो?
तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारे? मैं क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि इनको भी सपोर्ट नहीं मिला है, क्या पता मुझे भी ना मिले। बिल्कुल सही कहा है, बेस्ट ऑफ लक। गुले चारों का शुमादित के चुक ची कुछ के मानी पिता हस्ते का सपोर्ट ना मिलता है अति शौक चे अति मेहनत चे का कनगे ना गवर्नमेंट निमगा चे सपोर्ट ना बीतता बल्कि बीत का के जो खुशी में बांध इंजीनियर है बिना गवर्नमेंट नौकरी बिकना बल्कि गवर्नमेंट में पैसे चे दे नौके जनरेशन या के देख हस्ते मैल बिकना बोले वत बिल्ड रहे ना बना एक का सोच हस्ते चुके तो का के यार गवर्नमेंट एच ना करेंगे गवर्नमेंट अभी कम वो सोचक लूटी के पाकिस्तान तो का चिक्का टैलेंट है बोले घर बह गए थे कम में भी सोची जहाँ सरवरा चैंपियंस लीग ना मैं टीम है हमरा ये हमारा रजा भी देता अल्लाह में आ रहे देम तरह देम हफ्ते का दिखे जागे इसमें मुलाकात बीतना अल्लाह में आ रहे।